कार्तिक, मुझे बेबी चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ। मुझे एक प्यारा सा बेबी चाहिए जो मुझे मम्मी और तुम्हें पापा कहकर बुलाए। हाँ हाँ, लेकिन ये बहुत जल्दी है ना नायरा, अभी तो मैं खुद ही एक बच्चा हूँ। नायरा के सिर चढ़ा बच्चे का फितूर। बीवी की जिद के आगे कार्तिक हुए मजबूर। गोयन का हाउस में जल्द गूंजेगी किलकारी। कुछ कुछ रकमा पासा ना। जी हाँ, हमारी नायरा रानी ने आज पकड़ ली है अजब गजब सिद। और जरा देखिए, बीवी की जिद के आगे बेचारे कार्तिक कैसे शर्मा रहे हैं, उनसे आंखें चुरा रहे हैं। अरे आसपास भी नहीं भटकने वाला, और तुम तो मुझसे दूर ही रहना, समझी? दोनों का बच्चा तो आपके फैंस भी देखना चाहते हैं कायरा, लेकिन ये बताइए कि अचानक बेबी का ये ख्याल आपके दिमाग में आया कहाँ से? एक छोटू कायरा की मांग है, और ये मांग जो नायरा के दिमाग में आई है वो दादी से आई है। दादी ने कहीं ना कहीं ये बीज बोया है कि शायद अगर कार्तिक और नायरा को बच्चा हो जाता है, इफ दे हैव अ किड, तो वो ज्यादा फैमिली वाले हो जाएंगे। नायरा के दिमाग में मम्मी बनने का ये आइडिया आया है दादी की वजह से। भाई दरअसल कार्तिक की दादी चाहती है कि जल्द ही गोयन का परिवार में गूंजे किलकारी और कार्तिक नायरा दो से हो जाए तीन। और नौटंकी हो ना तुम, सोच रहे ऐसे दुखी मुंह बना के मेरा ध्यान बटा दो, है ना? और इसीलिए तो आज वो कार्तिक नायरा की कुंडली दिखाने के लिए पंडित जी के पास जा रही थी, लेकिन अचानक उनके पाँव में आ जाती है मोच। और ऐसे में नायरा रानी दादी की सहेली और पंडित जी को घर पर ही बुला लेती है। बस फिर क्या था, गोयन का हाउस में शुरू हो जाता है पूजा पाठ। दादी एक्चुअली चुपके से बाहर जाती है कुंडली दिखाने के लिए, और किसी को नहीं पता, वो घर पे नहीं दिखाना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी और को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ज्यादा ही लाड़ लड़ा रहा है, डरती है बहुत, किट्टू चिल्लाएगा इसलिए उससे छुप के जाना चाहती है, और पैर में मोच आ जाती है तो हमारी मैडम सबको इधर ही बुला लेती है। तो भाई घर में पूजा पाठ भी हो गया, और साथ ही पंडित जी ने ये खबर भी सुना दी कि बहुत जल्द कार्तिक और नायरा सुनाएंगे खुशखबरी, और इस बात से घर में सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे। अब पंडित जी ने तो बोल दिया कि बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन 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 क्या, लेकिन अब है कुंडली में तो हो गए। तो फिर होना ही चाहिए। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि माँ जी जो चाहती है वो हो जाए। आप क्या चाहते? अभी नहीं होगा, टेंशन मत लो, टाइम है। हाजी अब और टाइम मत लगाइए नायरा, और जल्दी से गुड न्यूज सुनाइए, क्योंकि आपका और कार्तिक का रोमांस तो दर्शकों ने बहुत देख लिया, अब उन्हें भी कुछ नया चाहिए। नूपुर मौची, मुंबई, आज तक।